रायपुर ले 7 बार के सांसद रहे रमेश बैस त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए हैं। रमेश बैस अटल सरकार में केंद्रीय मंत्री घलो रहीन। त्रिपुरा के गवर्नर बने के जानकारी मिले के बाद बैस के परिवार में खुशी मनाई गई, संगी बधाई देवैया मन के भीड़ लग गई। परिजन मन I24 ले गोट बात करें और अपन भावना ला साझा करें। रायपुर लोकसभा ले 7 बार सांसद रहे रमेश बैसा आज त्रिपुरा के राज्यपाल बना दे गए है और पूरा परिवार में जेने खुशी हवा है। ए वक्त हमारे साथ रमेश बैस के पत्नी जेन है रामबाई जी है और ओखर पुत्र जेन है हितेश हवा, आप देख सकत हो। और सबसे पहली जेन है रामबाई जेन राज्यपाल जी के पत्नी है ओखर में बात करबो, कतका खुशी हुआ थे आप मन ल? आज तो मोला बहुत खुशी हुआ थे भैया, अब खुशी में बता नहीं सकत हूँ। पूरा जिंदगी ओखर संग रहे हो, संघर्ष के दौर रही से कैसे देखे हो पार्षद से लेके जेने अब सांसद फिर मंत्री अब राज्यपाल, पूरा दौर ला कैसे देखता हो आप? मैं पूरा दौर ला तो बने देखा तावत हाँ, वो तो अपन में मस्त रहते, बस उला लोग बाग चाहिए, वो अकेला बने नहीं कहे, ओकर जनता बीच में होना चाहिए। एक आध बार ऐसे तू मन को गुस्सियार है का साहब बर की हमारा टाइम नहीं दो का राज, जब नेता बनते तो टाइम ला नहीं दे फैमिली वाले, तो एक आध बार आप गुस्सियार है का? मुला खुद ही जनता के बीच में रहना रहते, मैं खुद जनता के बीच में रह जाऊ, मैं खुद ही अकेला नहीं रह सको, तो वो तो मोर मिस्टर जी की बात करते थे। मुला एक चीज वो बताओ, त्रिपुरा कभी गए हो आप? नहीं गए हूँ भैया, त्रिपुरा कहाँ है तेन ले जाना नहीं मैं। और तो आप जिन्हें यही रहू के साफ संग रहू आप वहाँ? अब देख मैं ना रोज के रह नहीं सकूँ है 12 महीना, अब कुछ दिन होती रही हूँ, कुछ दिन अपन घर में रही होगा। अच्छा, काबर मोर कार्यकर्ता में ना ही तो कौन मिली, बहू जाने नहीं होते तो महूला तो कार्यकर्ता मतलब देखे लगी बेटा है ना भाई, चाय पानी पियाल लगते वैसे में चल दी वापस उमनहर। हमर सांसद ने राज्यपाल जी के पुत्र रितेश हवा ओखर से जानबो कि वो कैसे देखता हूँ पूरा खुशी ला। रितेश जी आपके पिताजी आज जिन्हें राज्यपाल बन गए, लगातार संघर्ष रहे हैं, वो बचपन से आप देखा था, आप मुझे सबसे पहले यही बताओ कि आपके जब जन्म हो रही तब वो सांसद बन गए रही से कि नहीं बने रही से? नहीं, वो समय मोर जन्म 78 में हुई से, वो समय हमारे पिताजी पार्षद और विधायक बन गए रही से, वे 84 में पहली बार वो सांसद लड़ी से, और वो समय चूँकि इंदिरा गांधी की लहरी से तो हार गिरी से, और 89 फिर को बाद पहला बार वो सांसद बने रही से, और उसके बाद सिर्फ लगातार बनते आई से। क्या लगते है कि लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिल रही से ओकर बाद लोगन मन कह लग रही कि अब रमेश बैस जी के भी पॉलिटिक्स कैरियर खत्म हो गए, क्या उम्मीद रही सुमल? उम्मीद के साथ कभी भी राजनीति नहीं करना चाहिए, पहला बात ये है, राजनीति में उतार चढ़ाव होते ये सब ना मालूम होना चाहिए, संयम जो रखते वही आगे बढ़ पाही, और ये चीज़ ला मैं पापा के साथ में मैं बचपन से देखा था हूँ, और ओला एक के बाद एक के बाद एक, एकरे कारण भारतीय जनता पार्टी और वहाँ के हाईकमान एक के बाद एक अच्छा से अच्छा कार्यभार दी से वे, और ओला अच्छा से पालन भी करिस पापा। तो एरी से राज्यपाल रमेश बैस के पत्नी और ओखर पुत्र जेकर स्पष्ट तौर पर कहना है कि रमेश बैस जी काफ़ी संघर्ष करे है, और ये संघर्ष के बाद जो है आज वो राज्यपाल के पद तक पहुँचे, और एक जेन ओखर पत्नी है एक स्पष्ट तौर पर कहना है कि वो त्रिपुरा में रही लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रह सके, काबर के छत्तीसगढ़ ला नहीं छोड़ सके, काबर के रायपुर लोकसभा के कार्यकर्ता ओखर बिना नहीं रह सके और वो ओखर बिना नहीं रह सके, तो अब देखेल होई कि किस तरीके से आने वाला दिनों में राज्यपाल ओखर फैमिली किस तरीके से त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ के लिए काम करते। कैमरा मैन लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।